हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनकी पेंशन, उनकी फैमिली पेंशन, साथ ही साथ सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर ये बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर अभी अभी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आप सभी के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर के, साथ ही साथ आपकी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के दो बड़े अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। पहला जो बड़ा अपडेट होगा वो आपकी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर है, साथ ही साथ जो दूसरा बड़ा अपडेट है वो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के दिया जा रहा है। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी एक बहुत ही अहम मुद्दा, अहम इशू रहा है सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज़ कर्मचारियों के लिए। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको जो है जो सैलरी और पेंशन मिलती है वो फिटमेंट फैक्टर में मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको सैलरी पेंशन आपके खातों में पहुँचाई जाती है, जो कि सातवें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से अभी आपको 2.57 गुना के बेसिस पर आपको आपकी सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे आपकी सैलरी जो है मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये, साथ ही साथ मिनिमम पेंशन जो है आपके 9,000 रुपये आपके खातों में पहुंचाई जा रही है। अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट जल्द ही न्यू ईयर के मौके पर सरकार पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा करके 3.68 गुना तक कर सकती है, जिससे कि पेंशन में 9,000 रुपये से लेकर के 14,000-15,000 तक की बढ़ोतरी, साथ ही साथ कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर के 24,000 रुपये तक हो सकती है। और ऐसा वाकई में होता है तो ये पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर होगी। सबसे ज़्यादा राहत की खबर पेंशनर्स के लिए होगी, क्योंकि उनको और अदर जो है अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, सिर्फ DRE उनका एक बढ़ोतरी में जरिया होता है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी का, लेकिन कर्मचारियों को और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अगर ऐसा वाकई में हो जाता है तो पेंशनर्स के लिए बहुत ज़्यादा राहत की खबर होगी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये सिर्फ अभी मीडिया में खबरें आई हैं कि सरकार न्यू ईयर पर जनवरी 2024 में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, साथ ही साथ कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन अभी ऐसी मीडिया में ही खबरें आई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन आगे देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप सरकार पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करती है। आप भी अगर चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।